ऑलराइट, हेलो एवरीवन। और आज हम लोग चेंज करने वाले हैं इंजन ऑयल पल्सर F250 में। एक्चुअली हम लोगों ने सर्विस सेंटर से इसका ऑयल रिसेंटली चेंज किया है, बट आप मानोगे नहीं, ये बाइक सिर्फ 100 या 150 किलोमीटर चली है और इंजन ऑयल पूरा काला हो चुका है। सो मुझे लगता है उन लोगों ने हमें चीट किया है और ख़राब इंजन ऑयल डाल के दिया है। मैं अभी एक्चुअली इंजन को गर्म कर रहा हूँ, एक बार मैं बंद करके आपको इंजन ऑयल दिखा देता हूँ कि इंजन ऑयल की क्या हालत है। सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, ये पूरा ब्लैक है। डोंट नो व्हाई इतना ब्लैक क्यों है ये, बट थोड़ा अननर्विंग है हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसे फिर से नया ऑयल इसमें डालेंगे। एक्चुअली इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था माइनर, उसकी वजह से इसका गियर सेलेक्टर जो होता है, गियर सेलेक्टर की एक रॉड होती है इंजन के इस तरफ, यहाँ पे उसका एक स्टार होता है, वो स्टार टूट गया था और उसकी वजह से हमें पूरा इस साइड का क्रैंक केस खोलना पड़ा था उसको चेंज करने के लिए, और उसकी वजह से नया ऑयल भी डालने को मैंने बोला था बजाज वालों को, बट मुझे नहीं लगता उन लोगों ने नया ऑयल डाला उसमें। मुझे लगता है उन लोगों ने ओल्ड ऑयल डाला है और हमें न्यू ऑयल के लिए चार्ज भी कर दिया है साथ में। सो इसीलिए इस बार हम लोग इंजन ऑयल का एक फ्लश यूज़ करने वाले हैं, कैस्ट्रॉल का, इसको इंजन शैम्पू बोलता है कैस्ट्रॉल। सो क्योंकि ये फ्री में मिला था, सो वाई नॉट, लेट्स यूज़ इट। और इसके साथ हम इसमें डालने वाले हैं मोटुल का 7100 20W50, ये इसका रिकमेंडेड ग्रेड है इंजन ऑयल का। और इसके साथ एक्चुअली एक कैशबैक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी चल रहा है, तो ये जो हमें अमेजोन से पार्सल मिला है इसका किसी ने ऑलरेडी स्क्रैच कर दिया है और यूज़ कर लिया है, सो या दैट सक्स, बट ठीक है, अपने को कैशबैक का उतना टेंशन भी नहीं है। तो अभी इसमें यहाँ पे हम लोग फ्लश डालेंगे इसका साइड का, ये खोलकर कैप, ये कैप है इसका, ये कैप हम लोग अभी खोलेंगे और इसमें फ्लश डालेंगे, और उसके बाद इंजन को एटलीस्ट 5 मिनट्स घूमने देंगे ताकि वो अंदर क्लीन करे घूमकर, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका पूरा इंजन हम लोग फ्लश करेंगे। तो इसका जो कैप है इसको खोलने के लिए आप एक प्लायर यूज़ कर सकते हो, और प्लायर को ऐसे सीधा मत पकड़ो, ऐसे साइड से पकड़ो आराम से, ओके। सो ये हमने ऐसे पकड़ा और बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रेशर से इसे टाइट भी नहीं करना है कि अगली बार खोलने में दिक्कत हो, तो ये आराम से खुलता है एकदम। और इसको जब आप इंजन ऑयल फिल करके जब बंद करते हैं तभी भी आपको इसको ज़्यादा टाइटली बंद नहीं करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम फिर खोलना है, राइट। बाद में इंजन ऑयल का प्रेशर जनरेट होता है तो वो ऑलरेडी अच्छा खासा इसे टाइट कर देता है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। इसको अभी हम यहाँ रख देते हैं फिलहाल के लिए, जब इसे हम लोग लगाएंगे तो अच्छे से क्लीन करके फिर ही लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी वगैरह है वो पिक कर सकता है ऑयल, ठीक है। सो ये हम लोगों ने अभी इसका कैप खोल कर अंदर जो सील होती है उसको तोड़ दिया है, और अब हम लोग इंजन फ्लश इसके अंदर बहुत ही प्यार से गिराने वाले हैं। आधा मैंने अभी इसमें डाल दिया है, आधा हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, या किसी और बाइक पे अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैप जो है इसे क्लीन करेंगे, और कैप क्लीन करके बंद करके इंजन वापस चालू करेंगे। ऑलराइट, सो हम लोगों ने अभी इंजन का कैप बंद कर दिया है और गाड़ी चालू है, वार्म अप हो रही है, तो आइडल तो काफ़ी अच्छा है अभी भी गाड़ी का, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है आइडल में, गाड़ी ने कंप्लीट कर लिया है अराउंड 8300 किलोमीटर्स। 8300 किलोमीटर्स में इसका अब ये तीसरा ऑयल चेंज हो रहा है, और वो भी तीसरा इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तो गाड़ी के साथ एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था, वरना ये इजीली 10,000 किलोमीटर्स तक चल जाता ऑयल। सो अब हम लोग जो डाल रहे हैं मोटुल का ऑयल वो भी हम लोग एटलीस्ट 5,000 किलोमीटर्स रखेंगे, सो 13,500 के आसपास फिर से हम लोग फिर चेंज करेंगे ऑयल को। 8,000 किलोमीटर्स, गाड़ी वार्म अप हो चुकी है, तो अब हम लोग गाड़ी को बंद करेंगे और इंजन ऑयल निकालने का प्रोसेस शुरू करेंगे। सो ऑयल फिल्टर जो चेंज करना होता है उसके लिए यहाँ पर अंदर ऑयल फिल्टर का ये है कैप है, तो इसको निकालने के लिए पहले इसे खोलना पड़ेगा, और इसे खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कितना, यहाँ पे ऐसा एक स्क्रू है और यहाँ पे भी एक स्क्रू है, ऐसा दो स्क्रूज हैं यहाँ पे, उनको खोलना है, और एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू उस साइड है, टोटल 4 स्क्रूज हमें खोलने हैं, 4 नट 4 स्क्रूज, जो भी तुमको बोलना बोल सकते हो।
ये चार खोलने के बाद हमें एक्सेस मिलेगा उस साइड का, जो कैप होता है ऑयल फिल्टर का, उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये पार्ट निकल गया है जो कि नीचे होता है पूरा, और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा जो चेन ल्यूब होता है, राइट, वो पूरा इसमें फैला हुआ है। सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेटर गाइस कि आप ज़्यादा चेन ल्यूब मत लगाया करो गाड़ी में। ये स्पेशली ये तब होता है जब आप गियर ऑयल वगैरह यूज़ करते हो। गियर ऑयल इज़ रियली बैड फैलने में, गंदा करने में चीज़ों को। सो अगर आप यूज़ कर भी रहे हो गियर ऑयल, तो ज़्यादा मत स्प्रे करो, ज़्यादा मत यूज़ करो उसको, लाइक ब्रश से एक हल्के हाथ से लगा लो, वरना आपका भी ऐसे ही गंदा हो जाएगा पूरा। तो ये वाला भी मैंने थोड़ा अभी क्लीन कर लिया है पार्ट, ये पूरा काला हो गया था, इसको मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ की स्टिकरिंग निकल चुकी है, एंड आई थिंक यहाँ की भी स्टिकरिंग, अरे नहीं, यहाँ की बची हुई है अभी भी, DTS है। तो ये है वो मेन पार्ट जिसके लिए हम लोगों ने इतना पूरा सिस्टम पूरा बाहर निकाला है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया थोड़ा। अब इसको खोलते हैं, और एक्चुअली पहले ऑयल ड्रेन करते हैं, और जब ऑयल ड्रेन हो जाएगा तो ये वाला खोल कर बचा कुचा जो भी होगा वो निकाल लेंगे। सो सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक करने के बाद हमें मालूम पड़ा है कि इसमें 18 नंबर का नट लगता है, 18 नंबर का स्पैनर इसको खोलने के लिए। सो 17, 21 किसी काम का नहीं है, यू विल नीड 18, कम ऑन फोकस, यस 18। अब इसको खोलते हैं, खोलने के लिए इफ़ दिस इज़ 9 तो आपको 9876, समझ रहे हो, ऐसे खोलना है। और जब आप टाइट कर रहे हो उसको वापस, राइट, तो आपको इसको 6789 ऐसे ऊपर लाना है। सो ये याद रखो, खोलने के लिए इस तरफ, टाइट करने के लिए वापस इस तरफ। तो इसको हम लोगों ने अभी लूज़ कर लिया है, और ये काफ़ी टाइट ये लोगों ने लगाया था, सो मुझे पैर का इस्तेमाल करना पड़ा टॉर्क फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहले ये 9 पे था, और अब मैंने उसको धक्का मार के 6 कर दिया है। सो अब ये लूज़ हो चुका है। अब इसको मैं धीरे धीरे ओपन करूँगा, बहुत धीरे धीरे, बिकॉज इंजन ऑयल गर्म है, हम लोगों ने फ्लश वगैरह डाल के इसको गर्म कर दिया एकदम प्यार से। तो अभी एकदम प्यार से खोलेंगे धीरे धीरे, और इसके अंदर भी एक शायद स्टेनर होगा, अगर ये KTM के उस पर बिल्ट है इंजन, तो इसमें भी एक स्टेनर आपको दिखेगा, उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। हमारे पास थ्रॉटल बॉडी क्लीनर है, सो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे क्लीन करने के लिए। और उसके बाद जब इसमें से ऑयल ड्रेन कर लेंगे, तो बचा वापस वो हम लोग स्टेनर और ये नट वापस लगा देंगे इसमें। सो ये काफ़ी बाहर आ चुका है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ये देखो काफ़ी बाहर आ गया है। अब इसको कम्प्लीटली खोलने से पहले क्या करेंगे, इसका जो फिलिंग वाला कैप होता है उसको हम लोग इस स्पैनर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, राइट, इस एंगल से पकड़ के हल्का सा खोलना है, और फिर हाथ से खोलना है इसको। सो इसको मैंने अभी ऐसा खोल लिया, खोल के कहीं पे आप सेफ रख लो इसको, बिकॉज ये गंदा हो जाता है ज़्यादा ऐसे ही ज़मीन पे रख दोगे तो। ऑलराइट, यहाँ से हम लोगों ने खोल दिया है, अब फटाफट ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मिट्टी विट्टी आ जाए तो वहाँ से अंदर इंजन में जा सकती है। तो अभी मैं इसका दिखाता हूँ, देखो धीरे धीरे खोल इस पोजिशनिंग तो सही की थी मैंने, कुछ भी बाहर नहीं गिरा, जो भी गिरा इसमें ही गिरा डब्बे में। सो यस, अगर आप देखोगे इसके अंदर एक प्लास्टिक का पीस है यहाँ पे, इसके अंदर, उसको हम लोग अभी प्लायर से बाहर निकालेंगे। ऑलराइट, इसको भी हम लोग एक जगह पे अभी फ़िलहाल के लिए रख देते हैं, बाद में इसको भी क्लीन करके लगाएंगे वापस। और अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या एक्चुअल, इंजन के अंदर वो जो स्टेनर होता है। अगर आपने KTM वगैरह पे कभी काम किया है, या आपने कभी KTM के वीडियोस देखे हैं मेंटेनेंस के, तो उसमें आपको दिख जाएगा ये वाला पार्ट एक्चुअली अच्छा है। ये पहले इसको धीरे धीरे ही निकलने देते हैं, इससे ये स्टेनर की वजह से थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी स्लो हो गया इसका, ये तो इसको हम लोग पकड़ते हैं और धीरे धीरे विगल करके, देख रहे हो कितना कितना उसने पकड़ के रखा है। नहीं देखो, ये आया स्टेनर बाहर, ब्यूटीफुल। पता नहीं यार ये नया ऑयल कैसे वो बोल रहे थे, मुझे तो नहीं समझा, हाउ कैन न्यू ऑयल बी दिस बैड। हालांकि अगर आप इसको देखो तो ये गोल्डन है, इसकी जो धार निकल रही है,
बट इसको आप इसमें देखो, इसका हाल कितना बुरा है और इसमें ऑलरेडी झाग जैसा भी बन रहा है। आई थिंक झाग इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने उसमें वो फ्लश डाल दिया था, बट स्टिल इट्स वेरी ब्राउन। देखो ठीक है, इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, क्लीन करेंगे इसको। इसको भी फिलहाल के लिए यहाँ रख देते हैं। निकलने देते हैं इसको धीरे धीरे, तब तक अपना ये सब अपन क्लीन कर लेते हैं। ऑलराइट, ये मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से, देख सकते हो एकदम मस्त ड्राई ड्राई हो गया। एक ये था पीस, एक ये था जो हमारा ऑयल स्टेनर होता है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा इसमें मेटल के शार्ड्स थे, छोटे से एकदम माइन्यूट थे, सो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, उतना तो रहता ही है, बिकॉज मैग्नेटिक है ये पूरा, तो पकड़ ही लेगा उतना। वरना जिनमें ये नहीं होता उनके मोस्टली ऑयल फिल्टर के अंदर होता है, तो उन्हें दिखाई नहीं देता वो। इसको भी अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया है अभी। सो ये अच्छा लगा मुझे कि इसका जो रबर यूज़ किया है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छा इनबिल्ट वाला रबर है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ऑयल इस पर लगा देंगे और फिर इसको टाइट करेंगे लास्ट में। सो यस, तीनों को क्लीन कर लिया है। इंजन ऑयल भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है ड्रेन हो गया है इसमें से, भर गया है पूरा ये। सो इसको थोड़ा अच्छे से कपड़े से क्लीन करेंगे, साफ कपड़े से इसको भी बंद कर देंगे। एंड उस साइड से भी ऑयल फिल्टर का दिखाता हूँ क्या सीन है। इसकी बारी है। सो इसको खोलने के लिए 8 mm के इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं, सो हम लोग 8 mm का रैशेट यूज़ करेंगे। इसको लगाया और ये तो हल्के हाथ से घूम गया आराम से, ठीक है। बस इतना कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो हाथ से आराम से निकालो इसको। एंड वन मोर थिंग, ये जो KTM वाले जो होते हैं, मतलब ये KTM का ही टाइप है ये, तो ये डायरेक्ट ऐसा निकलेगा नहीं इसमें से इंजन ऑयल, मतलब ये इतना इजीली ये वाला कैप खुलता नहीं है, तो इसको खोलने के लिए थोड़ा मारना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा मार के निकालना पड़ेगा इसको। कैसे मारेंगे? अपने जो रैचेट का सॉफ्ट साइड है उस वाले पीस से मारेंगे इसको, या ये वाले पीस से, ठीक है। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ साइड में यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो ऑयल का पैन है इसको साइड करके थोड़ा उस साइड भी कर लेंगे। ताकि वहाँ से जब हम लोग कैप खोलें तो उसमें से भी थोड़ा ऑयल गिरेगा, तो वो भी हमें कैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे साइड एंगल से, तो ये देख सकते हो मारने के बाद ऐसे ढीला हो जाता है और निकल जाता है। ये क्या इन लोगों ने गम जैसा यूज किया है यार, पता नहीं क्या बाजू में गम जैसा लगाया है कुछ, तो देखो पूरा उसका शे। इसीलिए गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सब काम सर्विस सेंटर से नहीं करवाने चाहिए, खुद ही कर लो। एनाबॉन्ड जैसा कुछ तो लगाया है बंदे ने, इसका प्रॉब्लम ये है ना कि ये अंदर के साइड भी चला जाता है। इसके लिए भी कोई स्पेशल टूल आता है क्या बाहर निकालने के लिए? नो आइडिया। ऑलराइट, सो प्लायर का मैंने यूज किया और प्लायर की मदद से इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया। इसका भी कंडीशन देख के आई एम नॉट श्योर यार, ये नया है या पुराना है, बिकॉज इसमें भी थोड़े थोड़े आप देख सकते हो बैंड्स तो आ ही गए हैं। आई डोंट नो उन लोगों ने चेंज किया थी नहीं किया था पिछली बार। अब आप ही बताओ ये 150 किलोमीटर चला हुआ ऑयल कैसे हो सकता है। निकाल लिया, इसको अभी थोड़ा साफ करते हैं अंदर के चेंबर को, और साफ करने के बाद नया फिल्टर डालते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारा नया ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर की कैप, और ये है हमारा नया ऑयल।
मॉडल 7100 20W50 फॉर पल्सर. ऑफ कोर्स पल्सर को यही वाला ग्रेड लगता है. सबसे पहला जो हमें काम करना चाहिए वो है इसका जो ड्रेन प्लग होता है उसे बंद कर देते हैं. ये है इसका स्टेनर और इसका जो पकड़ने वाला पार्ट होता है ये वाला, ये बाहर की तरफ रहेगा और ये ऐसे जाएगा अंदर, ठीक है, और इसे क्लिक होना चाहिए. क्लिक होने के बाद ये इतना डीप अंदर दिखाई देगा आपको. सो ये है इसका ड्रेन प्लग जो हम लोगों ने क्लीन कर लिया है अच्छे से. अब इस ड्रेन प्लग को लगा देते हैं. सो ये आराम से लग जाना चाहिए हल्के हाथ से. अब आपने ड्रेन प्लग लगा दिया है तो आप चाहो तो ये सब आजू बाजू का क्लीन कर सकते हो. क्लीन करना ज़रूरी इसलिए है ना क्योंकि आफ्टर चेंजिंग ऑयल हो सकता है यहाँ से ऑयल लीक हो, तो हमें समझेगा कैसे कि ऑयल लीक हो रहा है, राइट? तो इसलिए हम लोग यहाँ का जो पार्ट है उसको एकदम अच्छे से फ्रेश क्लीन कर देंगे ताकि अगर यहाँ से फिर से लीकेज होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ भाई ऑयल आ गया है यहाँ पे, ठीक है. ये करते हैं एकदम प्रॉपर क्लीन. यहाँ पे भी शायद थोड़ा नहीं, ये तो ऐसे ही है. सो ठीक है, ये वाला हम लोगों ने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है. अब इस ड्रेन बोल्ट को टाइट करना है हमें. सो 18 नंबर का जो स्पैनर था उसको ले लेंगे और 18 नंबर का ये स्पैनर है. एंड आई सजेस्ट कि आप हमेशा ये वाला साइड यूज़ करो, राउंड वाला, बिकॉज वो नट को ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है, ठीक है. तो अब जैसे इसे हमने टाइट किया था, सॉरी जैसे इसको हम लोगों ने लूज़ किया था वैसे ही टाइट भी करेंगे. सो इसको पहले हम लोग 6 o'clock पे ले लेंगे. पहले हैंड टाइट करना है, राइट? हैंड टाइट हो गया एक बार आपसे तो इसको 6 o'clock पे ले लो ऐसे, और फिर देखो कि इससे कितना घूम रहा है. आई थिंक इतना तो आराम से घूम गया. हाँ, यहाँ पे आके अभी ये हार्ड हो गया है सीधा, ठीक है. तो अगर ये 6 है, 6 या फिर 7 के आसपास है एक्चुअली अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो हम लोग इसको 7 तक लेके आएंगे अच्छे से. 7.5 मेरे ख्याल से एक अच्छा ये है कि थोड़ा ऑयल वापस बाहर आया इसमें से जो थ्रेड्स के पास लगा होगा. थोड़ा लूज रहेगा ऑयल, एक दो बूंद गिरेगा वो भी चलेगा मुझे, मैं बाद में उसको टाइट कर सकता हूँ, राइट? बट डू नॉट ओवर टाइटन दिस, ठीक है. तो अब यहाँ का पार्ट हो गया है. अब फिल्टर के अंदर थोड़ा ऑयल कैसे डालते हैं और उसको वहाँ पर कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ. तो ये है हमारा मोटुल कोर्स और ये हमने लिया है 1.5 लीटर्स वाला. 1.4 आई थिंक यहाँ पे है और ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है 1.5, ठीक है. तो अब हमको इसको 1.2 यूज़ करना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू बजाज मैनुअल, मैनुअल क्या बोलता है कि 1.2 लीटर ऑयल इसमें पूरा जाएगा अगर आप ड्रेन कर रहे हो और ऑयल फिल्टर भी चेंज कर रहे हो. तो हम लोग तो दोनों भी कर रहे हैं. सो हम लोग इसको 1.5 है तो इसको हम लोग 300 तक लेके आने वाले हैं. एंड इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें 300 का कांटा नहीं है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 400 तक यूज़ कर लेंगे, ठीक है. और उसके बाद 100 ml इसमें से मेजर करके फिर और डाल देंगे, ठीक है. तो अभी शुरू करते हैं. सो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मोटुल का ऑयल डाल दिया है और ये डिप होने लगा है तो मैंने इसको फटाक से मैं इसमें डाल देता हूँ और ज़्यादा डिप नहीं करते इसको, ठीक है. ये इसके अंदर अच्छे से लग गया और अब लगाने के बाद इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा क्लीन विन करके इसका कैप लगा देंगे. तो ये इसका कैप है, कैप को भी लगाने का तरीका है एक्चुअली. ये जो ऑयल फिल्टर लिखा हुआ है इस पर, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए. तो ये ऐसे थोड़ा सा ऑयल इस पर भी ये कर लेते हैं एक्चुअली, उससे ज़्यादा अच्छा ये बंद होगा, ठीक है. तो ये देखो थोड़ा सा इसको
टेढ़ा ऐसे लगाना होता है, टेढ़ा लगा के ऐसे एडजस्ट करो, ठीक है। अब और इसका जो नट है 8 mm का, उससे हम लोग इसको टाइट कर देंगे। तो इसके दोनों नट लगा के हमने इसे टाइट कर दिया है, और ज़्यादा दम नहीं लगाना है, हल्के हाथ से टाइट करना है बस, ठीक है। तो जितना बाकी यहाँ पे एक्सेस आजू बाजू अगर कुछ लगा है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इसको भी क्लीन रखो ताकि अगर यहाँ से अगर लीक हो तो समझ में आए कि हाँ भाई अच्छे से लगानी है, और इसका फिर ओरिंग हमें चेंज करना पड़ सकता है। और अगर ओरिंग इसका चेंज करना पड़ा तो फिर से हमें इसमें अराउंड 50 ml टॉप अप करना पड़ सकता है, 50 ml तो एटलीस्ट। तो अभी के लिए इसको मैं एकदम क्लीन करके रख दिया हूँ, और इसको आपको हमेशा नोटिस करना है कि यहाँ से लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नीचे से मेन तो यही वाला पार्ट है इसका जहाँ से लीक होने का चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शेप का फर्क है। ऑलराइट, सो अब हम लोगों ने ऑयल फिल्टर का काम कर लिया है, अब हम लोग इसमें एक्चुअल इंजन ऑयल फिल करेंगे, इसके अंदर पोर करेंगे, ठीक है। और हमें मेक श्योर करना है कि इसको 400 तक लेके जाना है, बिकॉज अराउंड 50 ml तो अभी मैंने ऑयल फिल्टर में डाल दिया, तो 1150 ml और अभी इसमें भरना है हमें, और 1150 क्योंकि हम लोग इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे, सो पहले हम लोग इसको 400 मार्क तक लेके आते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल मेजरिंग कप से बाकी का डाल देंगे, ठीक है। तो अभी ये शुरू करते हैं डालना। अभी खराब एंगल में ये बनाया हुआ है, के लिए मुझे मेजरिंग कप यूज करना चाहिए। ऑलराइट, सो हम लोगों ने इंजन ऑयल काफ़ी भर दिया है, सो ये पहले 1500 पे था, और अब आप देख सकते हो ये 1400 के नीचे, यानी कि ये 50 का मार्क है, ये 300 का मार्क है। सो मैंने अराउंड 1200 ml इसमें भर दिया है, 1200 से एक्चुअली थोड़ा कम रखा है अभी भी, मेरे ख्याल से 1150 या 1125 के आसपास भरा है मैंने, बाकी मैंने अभी भी इसमें रखा है, क्योंकि पहले मैं एक बार इसमें चेक करूँगा कि इंजन ऑयल लेवल क्या शो कर रहा है, बिकॉज़ ये ऑयल कूलर सिस्टम है और इसके रेडिएटर का जो पार्ट है इसमें भी थोड़ा ऑयल होता ही है। सो अभी इसको पूरा बंद करके एक बार वार्म अप करते हैं, देखते हैं कि फिर से लेवल कितने पे आता है, और अगर कम लगेगा मुझे तो मैं वापस से इससे भर दूँगा थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ा 50 ml जो कम डाला है इसमें वो मैं वापस डाल दूँगा इसमें, ठीक है। सो अब फाइनल पार्ट, ये जो कैप है इसको भी हमने साफ़ करके अच्छे से रख लिया था, तो अब इसको हम लोग लगा देंगे। और इसको लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ, जस्ट ऐसे हैंड टाइट आपको करना है, हैंड टाइट करने के बाद हाथ से जितना घूम सकता है उतना घुमा लो, और अगर थोड़ा सा आपको फिर भी फिकर है कि शायद लीक हो जाए इसमें से ऑयल, तो हल्का एकदम बहुत हल्का, बस इससे ज़्यादा टाइट मत करो। तो कर दिया अब इसका इंजन ऑयल फ्लश और चेंज, अब देखते हैं। अभी मैं ये लगा देता हूँ वापस, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं खोलने की वापस, जो भी होगा अभी फिलिंग अगर करना पड़ा तो यहीं से करेंगे। सो वो पैनल मैं वापस लगा देता हूँ, रेड वाला जो उसका नीचे का काउल है, वो लगाने के बाद हम लोग इंजन को चालू करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, थोड़ा बाहर लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस चेक करेंगे कि उसका ऑयल लेवल कितना दिखा रहा है।